हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से कार्यकारी सहायक के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से समूह ग के अंतर्गत कार्यकारी सहायक के पद पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल 1033 पद निकाले गए हैं, जिसमें से अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 416 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 103 पद हैं, पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 278 पोस्ट हैं और अनुसूचित जाति के लिए 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद यहां निकाले गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास वेतन देखने के लिए मिल जाएगा 27,200 रुपये से लेकर 86,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। 21 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों शैक्षणिक योग्यता। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ केवल और केवल ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? फिर इसके साथ यहाँ पास हिंदी टंकण में आपकी जो स्पीड है तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बात हुई क्लियर? चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका चयन यहाँ लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी टंकण परीक्षा के आधार पर आपका यहाँ पास सिलेक्शन होने वाला है। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं तो लिखित परीक्षा में जो आपका पेपर होता है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न रहते हैं, हर एक प्रश्न के लिए एक अंक दिया जाएगा और 1/4 की यहां पास निगेटिव मार्किंग रहती है और इसमें आपको कम से कम 20 अंक लाना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। फिर इसके बाद द्वितीय भाग में आपसे यहाँ पास सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, तार्किक ज्ञान से 45 प्रश्न 45 नंबर के, सामान्य हिंदी से 55 प्रश्न 55 नंबर के और सामान्य अंग्रेजी से 55 प्रश्न 55 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 180 नंबर का आपका यहाँ पास पेपर होने वाला है। बात हुई क्लियर? जब आप दूसरे पार्ट में भी क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको यहाँ पास टंकण के लिए बुलाया जाएगा, हिंदी व अंग्रेजी टंकण के लिए आपको बुलाया जाएगा। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी टंकण में, और अंग्रेजी टंकण में आपकी जो स्पीड है तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए मिनिमम। बात हुई क्लियर? इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा आरक्षण केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। यदि आप किसी अन्य राज्य से इस फॉर्म को भर रहे हैं तब आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। बात हुई क्लियर? इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों की यहाँ फीस जो है तो 1,180 रुपये लग रही है और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की जो फीस है तो 826 रुपये लग रही है और विकलांग कैंडिडेट की यहाँ जो फीस है तो 12 रुपये लग रही है। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, इसके जो फॉर्म है तो 19 अगस्त 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 12 सितंबर 2022 तक आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।